हाय स्टूडेंट, GIT का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं FCS के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि रियल में हमारे जो FCS साइट चलता है उसका यूज किस लिए करते हैं और इसे एक आम यूजर क्या क्या कर सकता है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और वहां पे टाइप करेंगे FCS, क्या टाइप करेंगे? FCS। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल इसका वेबसाइट ओपन हुआ है, FCS.UP.NIC। बस क्लिक करते ही देखो यहाँ पे लिखा भी है होम उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट। मतलब यह जो ऐसा वेबसाइट है जिसमें हम लोग किससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, खाद्य वे रसद विभाग। अब खाद्य वे रसद विभाग का मतलब क्या? राशन से रिलेटेड, देखिए राशन मिलता है ना आपको, चलिए तो उसी से रिलेटेड क्या है, यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिए बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल राशन कार्ड लाभार्थी देखो 3.61 करोड़ हैं। अब समझ सकते हो यूपी में, तो कौन सा वह एक प्रकार हुआ इसमें बताया जा रहा है मिलता है इतने लोग को, नाम जिनके नाम से चलता है इतने लोग हैं, ठीक है बहुत सारे लोग हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए समझिए, यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे योगी जी दिखेंगे, दिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग। अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब राशन कार्ड या राशन से संबंधित जितने कार्य अपडेट होते हैं ना इसी साइट पे अपडेट होते हैं, लेकिन एक आम यूजर जो है वह उतना ज्यादा काम नहीं कर सकता जो इसके अधिकारी कर सकते, समझे ना। एक आम यूजर क्या कर सकता है, एक आम यूजर इस साइट से ये चेक कर सकता है किस फसल का क्या रेट है, इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है और डाउनलोड कर सकता है क्या राशन कार्ड, क्या राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो आज का मेन टॉपिक हम लोग राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करते, ठीक है, राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है। तो देखो ज्यादातर लोग काम यही से लोग करते हैं, देखो लिखा है ना राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो भी जिले पे जो राशन कार्ड से संबंधित जो भी काम होते हैं जो अधिकारी करते हैं वो यही से लोग करते हैं, लेकिन उनको एक आईडी मिल चुका है, उस आईडी से सारा काम करते हैं। और हम लोग को तो आईडी है नहीं, गवर्नमेंट हमको जानता नहीं है, तो गवर्नमेंट हमको इतना परमिशन दिया है कि आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते, चेक कर सकते, देखिए उसको प्रिंट कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना है, यूनिट बढ़ाना घटाना है, तो आप नहीं कर पाओ, वो अधिकारी ही कर पाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट खुद को उसको आईडी देता है, वही उनका काम ही है, चेक करेगा सच करेगा उसके बाद से बताएगा। देखो डेली चैलेंज मारा गिरा बाबू, अरे बाबू वहां पे लोग काम कैसे करते होंगे, बस यहाँ पे क्लिक करते हैं लोग, राशन कार्ड दिख रहा ना, और राशन कार्ड मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते देखो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, तो गवर्नमेंट खुद उनको आईडी देता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि किस मुख्यालय से आते हैं, आपूर्ति शाखा, ये कोई होगा गवर्नमेंटेड मुख्यालय, IMPDS या अन्य, मतलब अन्य ले लिया, ये चुने यहाँ पे कौन है, निदेशक ICDM या पेट्रोलियम कंपनी कोई है, या SDM है, या सर्विस इंटीग्रेटेड है, या BDO है, इनको ये परमिशन मिला है, ठीक है। तो बस मान लो वीडियो है, क्लिक कर देंगे और इनको एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वो पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद से कैप्चर टू कॉल डाल के सबमिट करेंगे, जो एडिट करना हुआ एडिट कर
कर सकते हैं, समझे? अरे ब्लॉग में वीडियो होते हैं ना उन्हीं का, तो ये आईडी मिला है, तो हम लोगों ने आईडी मिला है ना, इस पे काम कर पाएंगे। अब वीडियो बैठ के खुद काम करता है, नहीं करता है वो, अपना आईडी दे देता है, ठीक है, जो उसके साथ काम करते हैं लोग, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, वही काम करता है सारा, ठीक है, लेकिन आईडी उसी को मिला रहता है। तो हर देखते हो ब्लॉग पे लोग दो चार लोग रहते हैं, काम करते हैं, जिस सेंटर में काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक। चलो ये मैं बता दिया, ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि यही तो लोग जो भी करना है कर पाएंगे। लेकिन अब लिखा गया है ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एक आम यूजर नहीं कर सकता, मान लो हम आम यूजर ही हम लोग हैं, इसीलिए गुस्सा के हम वापस आ जा रहे हैं। हाँ मतलब हम लोग ऑप्शन या नहीं मिला है, तो हम अपना नाम बढ़ा देते, हमारा ही नाम काट दिए सब, ठीक है। अब केवल इंतजार, अब टाइम नहीं मिल पर हम जाके जुड़वाए जिले पे, नहीं चढ़ा इस समय ना, अच्छा बहुत दिक्कत है। एक महीने पहले भी गए थे, बंद था। हाँ राशन कार्ड, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, खरीद हेतु किसान पंजीकरण, धान क्रय, गेहूं, यहाँ से पंजीकरण करा सकते हैं। देखो बता रहा है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो 21.25, 21.25 इस समय, 23-24 में फिर है ना, तो जो आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है खाद्य और रसद विभाग से रिलेटेड यही है। तो चलो हमको तो डाउनलोड करना है, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कितने करोड़ लोगों को मिलता है। देखो आधार सीडिंग जिनका हो गया, लगभग 15 करोड़ लोग हैं, मतलब वो आधार से जी मिलता है, जो आधार से जी क्या क्या मिलता है इसमें प्रेजेंट में ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन में तो खूब मिला था, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बस नहीं मिला, गेहूं चावल बस मिल रहा है, ठीक है, बीच में तो सब मिल रहा था, दाल, ठीक है, हाँ सब मिल रहा था, रिफाइन, हाँ नमक गड़बड़ था लेकिन वो था बहुत अच्छा, रिफाइन बहुत अच्छा था। अरे दुकान पे ब्रांडेड खरीदो, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद वो दिक्कत हो जाती थी, उसको पिघलाना पड़ता था, लेकिन वह समझ जब पड़ा था ना 10 दिन 15-20 दिन कितना वो ठंडे में समझो वो नहीं रहता था, सही रहता था, लेकिन वह दिक्कत था, नमक सही नहीं था, पत्थर नहीं था, मतलब उसमें क्या बोलते हैं खाते समय, हाँ किरकिरी बोलते हैं उसे, वो कुछ ऐसा होता था। चलिए आते हैं, उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से देखो बताया जा रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS की पत्रकार सूची यहाँ पे ओपन हुआ है, क्या बोलो क्या कह रहे बाबू, अच्छा कैसे आए हैं लो, तो बतियाते रहे हो तो कहाँ से बताएंगे। चलिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो लिखा है राशन कार्ड की पत्रकार सूची, ठीक है ना, यहीं पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो बता रहा है 5:23 और 9:26 PM तक की स्थिति बता रहा है, मतलब कल के 1:30 9 बजे तक की स्थिति बता रहा है, अगर कुछ भी चेंज हुआ होगा, अपडेट हुआ होगा, वह उस समय का कल का स्थिति बता देगा, आज क्या हो रहा है, क्या हुआ है सुबह, वह कल बताएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा जाता है सबसे पहले जिले का नाम, मतलब किस जिले से आप बिलोंग करते हो, वह आपको क्या करना होगा, वह जिला सेलेक्ट करना होगा, तो जो जिस जिले जिले से बिलोंग करता है वो सेलेक्ट करेगा, तो मान लो हम लोग कुशीनगर से बिलोंग करते हैं तो क्या सेलेक्ट करेंगे, कुशीनगर, 46 नंबर पे है, दिख रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, अब सेलेक्ट करने के बाद से यह पूछा जाता है नगरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो या ग्रामीण से, तो अगर नगरी से बिलोंग करते हो तो टाउन सेलेक्ट करेंगे, और टाउन यहाँ पे देखो कुशीनगर में दिया है, हाटा, कप्तानगंज, खड्डा, कुशीनगर, पडरौना, रामपुला, सेवरही, और अगर ग्रामीण से बिलोंग करते तो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ब्लॉक दिए गए हैं दुधई, फाजिल नगर, हाटा, कप्तानगंज, कसया, खड्डा, मोती चौक, नेबुआ, नौरंगिया, पडरौना, रामपुला, सेवरही, एक सुकरौली, तमकुई, राज, विष्णुपुरा, दिख रहा है, तो जो जहाँ से बिलोंग करता है वो सेलेक्ट करेगा। हम लोग कहाँ से करते हैं, मान लो कुछ लोग पड़ौना से बिलोंग करते हैं, हम तो विष्णुपुरा से आते हैं,
ठीक है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, बिस्मिल पूरा पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से आप पूछ रहे चलो इसमें कौन से ग्राम में, ठीक है, तो लगभग विश्वपुरा में 81 ग्राम सभा है, ठीक है, इतने हैं, देखो ज्यादा है, इसमें देखो कितना दिखा रहा है, 79, इन कई जगह 81 दिखता है, मतलब लगभग वही 80 के शब्द लगभग है, तो चलो हमारा जो ग्राम सभा 32 नंबर पे है, ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नहीं, ठीक है, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ हिर नहीं नाम। चलिए अब जो जिस ग्राम सभा से बिलोंग करते हो सेलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हिरनई पे क्लिक करें, क्लिक करते ही अब हमारे यहाँ जो कोटेदार हैं, जो दुकानदार जहाँ पे लोग राशन उठाते हैं, यहाँ पे देखो नाम बताया जा रहा, मनोज राय और मरियम खातून, ठीक है, तो हम लोग जिससे राशन लेते हैं उनका नाम है मनोज राय, क्या नाम है, मनोज राय, और यहाँ पे देखो लिखा गया है पात्र गृहस्थी और यहाँ पे दिया अंतोदय, मतलब पात्र गृहस्थी मतलब होता सफेद वाला कार्ड, तो जिसके यहाँ सफेद वाला कार्ड है वो समझना पात्र गृहस्थी वाला है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, मीडियम में है, ठीक है, और जिसके पास अंतोदय है मतलब लाल वाला कार्ड, बीप नहीं नू सुने हो ना, और जो अंतोदय कार्ड है मतलब ये लाल वाला कार्ड है और यह गरीबी रेखा के अंडर में आते हैं, मतलब सबसे गरीब माना जाता है इन लोगों को, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा अमीर वाले लाल वाला ही है, ठीक है, पहले से बनवा कर रखे हैं सब, ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे देखो जो हमारे यहाँ सफेद कार्ड का जो राशन मिलता है लगभग 734 लोग लाभ उठाते हैं, मतलब नाम से है लाभ तो बहुत ज्यादा लोग उठाते हैं, और अंत्योदय में कितना है 282, टोटल हमारे यहाँ जो कार्ड है मतलब कुल लाभार्थी मिलके यहाँ पे 995 है, हाँ 895, और राशन कार्ड है 1016, लेकिन टोटल लोग लाभ उठाते नहीं होता एक में कितना यूनिट, ठीक है, तो टोटल जो लाभ उठाते हैं लगभग 3995 लोग, लगभग 4000 लोग लाभ उठाते हैं वहां पे, ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या करना है, मान लो हमारा सफेद वाला कार्ड है तो बस क्या करेंगे हम लोग, सफेद वाले पे इसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, अब लिंक पे क्लिक करते देखो नाम आ गया सबका, ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अब मेरे बाबा का नाम से है, मेरे दादी के नाम से है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब खोजना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सर्च बॉक्स भी आता है लेकिन वहां पे हिंदी इनपुट टूल होना चाहिए तब काम करता, नहीं तो काम नहीं करेगा, तो देखो बहुत सिंपल है, कार्ड नंबर याद होना चाहिए, तो बस दबा देंगे कंट्रोल के साथ एफ, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एफ दबा रहे हैं, कंट्रोल एफ दबाते ही देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स खुल गया, अब मान लो हमको कार्ड नंबर याद है और मेरा कार्ड क्या है 349 है, तो लिख दूंगा क्या 349 आ गया यहाँ पे, बोलो, तो यहाँ पे जैसे 349 लिखा यहाँ पे आ गया, और इसी का देखो लिंक जनरेट हुआ है, बस इसी लिंक पे हमको क्लिक कर देना है, अब जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखो राशन कार्ड क्या हो रहा है आ गया, अब इसी को हमको प्रिंट करना है, कितना यूनिट है इसमें 4, और कार्ड धारक का नाम, ठीक है, कार्ड का प्रकार, ये सब बता दिया, अब इसी को हमको प्रिंट करना है, ठीक है, बस क्या करेंगे क्या कंट्रोल, और बस यहाँ से क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे दिया ऑप्शन ना, बस यहाँ से प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा, बोलो हाँ जी, फिर से दोबारा निकाल सकते, हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत क्या बताएं, कंट्रोल पी कर देंगे बस, हाँ आ जाएगा, हो जाएगा, चलो कितने लोग ऐसे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, हाथ उठाएं, और क्लिक करो, देखो गेहूं आ गया, अरे यार गेहूं आ गया ना, और कुछ चेंज होगा अभी फोटो लो, चावल चावल गन्ना, गन्ना कह गया, गन्ना मिलता राशन,
गन्ना वाले साइड पर आना पड़ेगा ना। यहाँ पे कहाँ चीनी, चीनी दिखाएगा गन्ना दिखाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आने के बाद से यहाँ पे देखो आ गया इसका भी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो कितना अच्छे से लिखा, बिहार सरकार। ठीक है, और यहाँ पे गेहूं लिख रहा है, लगा यहाँ पे योगी जी थे ना हम लोग, है ना, यहाँ पे गेहूं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको कैसे चेक करें तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है RCMS रिपोर्ट, लिख लेना, देखो खोजते रह जाओगे RCMS रिपोर्ट। बहुत बड़ा बड़ा चावल है जी, अच्छा हाँ गेहूं भी कितना मोटा मोटा है। अच्छा अरे यार मंसूरी मामला उसी, अगर इसे, अरे पढ़ते यहाँ पे RCMS रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया बिहार स्टेट, आई गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। चलो कोई बता दे, किसी का सर्च कर दे। चलिए क्या है, हाँ वैशाली सर, आ गया, ठीक यही है ना वैशाली, है। हाँ वैशाली लिखा है। अब कर देंगे सो, अब सो पे क्लिक करने वाले से इसमें भी दो ऑप्शन दिए देखो, ये ज्यादा इंग्लिश मैन है सब, हम लोग लिखा था नगरी ग्रामीण, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है रूरल और अर्बन। तो चलिए बताइए कहाँ से आते हैं आप लोग, टाउन में है, ठीक है तो अर्बन लेंगे तब। देखिए जो गांव से होंगे वो लेंगे रूलर, ठीक है रूलर मतलब क्या ग्रामीण, और अर्बन मतलब शहरी नगरी। ठीक है तीन ऐसा ऑप्शन आएंगे, तो जो जिससे बिलोंग करते हैं, तो आपका किसमें है नगर निगम में ना, यहाँ पे लेंगे क्या अर्बन, क्लिक कर दिया। अब इसमें भी कहाँ से, हाजीपुर, चलिए आ जाते हैं हाजीपुर में। अब इसमें देखो नाम आ गया, ठीक है यहाँ पे, अब जिनका है यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग हाजीपुर में, अब कौन है इसके देखो बहुत ज्यादा डिटेल बता रहा है। कोई बात नहीं, किसी को हम चेक करके दिखा देते हैं, ले लेते हैं अरुण कुमार। अब बहुत सारे मतलब ये क्या है यार, ये कोठेदार का नाम है उस एरिया में, और इसमें देखो इतने ये मिलते हैं यहाँ पे, इतने लोग का यूनिट दिखाया जा रहा है, कितना है लगभग टोटल 50, और सपोज किनका लेना हमको योगेंद्र सिंह, बस इन्हीं का है, बस क्लिक कर देंगे बस। देखो बहुत अच्छे से आ रहा है प्रिंट इसका, आ गया, बस कंट्रोल पी कर दीजिए क्लिक करके, आ गया। देखो नीचे ऑप्शन में दिया प्रिंट पेज, और यहाँ प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा बाबू। तो चलो मैंने दोनों साइड आपको बता दिया, आप अपने मतलब कंट्रोल पी से ही प्रिंट होगा, देखो नीचे ऑप्शन में दिया प्रिंट पेज, बस क्लिक कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर जुड़ा नहीं है, इसीलिए कंट्रोल पी करना पड़ रहा है। हाँ यूपी यूपी वाला, ये सब लोग लिखे हो ना बिहार वाले, कहाँ कहाँ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से और बता दे रहा हूँ, आप जाओगे FCS टाइप करोगे, इंटर दबाओगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही आएगा FCS.UP.Government.in, नोट कर ले FCS.UP.Government.in, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से आपको चेक करना है, तो देखो यहीं पर ऑप्शन आता है राशन कार्ड की पात्रता सूची, नोट कर लें ये भी, और राशन कार्ड की पात्रता सूची, नहीं तो खोजते रहोगे कहीं क्लिक करोगे तो नहीं ओपन होगा। जब लेके बैठे हैं लोग मोदी जी, अरे एक वो क्या है रिफाइन जी, देखो रिफाइन
क्या रिफाइन दिख रहा है? देखिए नमक भी है, ये कोई मंत्री है। चलिए आते हैं राशन कार्ड की पात्रता सूची पे, क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जाता है जिले का नाम, आप लोग क्या कर लोगे? वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब जब मिल जा रहा है तो क्या करना। और यहाँ पे टाउन है और यहाँ पे ब्लॉक है, जहां से बिलोंग करते हो। मान लो कोई पड़ौना से बिलोंग करता है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, पड़ौना। अब इसमें देखो पड़ौना में इतने दुकानदार हैं लगभग 22, क्या नाम बताओ? पूनम देवी, यह है ना? कौन वाला कार्ड है तुम्हारा? कोई बात नहीं, आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पा गया। और आने के बाद से क्या करेंगे, इतने लोग का आप खोजते रहो, हो जाएगा बस क्लिक। आ गया कंट्रोल पी, प्रिंट हो जाएगा बाबू। वो आज आप लोग करोगे ना यार, करके देखिए। हाँ अगर मान लो आपका प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है, आप कंट्रोल पी कर दिए, प्रिंट नहीं दे पा रहे हो, तो पीडीएफ बना लो। अब उधर कैसे बनाओगे, तो बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो प्रिंटर नहीं जुड़ा रहेगा तो पीडीएफ बने आप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना पीडीएफ। अब हाँ नाम तो देना पड़ेगा किसका है राशन कार्ड। मान लो रवि का राशन कार्ड है, लिख दिया रवि, और डेस्कटॉप पे जब जरूरत पड़ेगा प्रिंट कर देंगे। अब विंडो डी दबा दिया, अब देखो राशन कार्ड है ना, प्रिंट करना था, डबल क्लिक ओपन हो गया। और प्रिंट जब भी करना है यहाँ से प्रिंटर पे क्लिक कर दो, पढ़ाएंगे सब एक एक से, वो सब शॉर्टकट पढ़ाएंगे। मिनिमाइज विंडो, विंडो जितने खुले सब मिनिमाइज हो जाता, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो है तो बता दो।